बहुत लोगों को तो यही नहीं पता इंटर्नशिप क्या होता है, साइंटिफिक राइटिंग क्या होता है, इंटर्नशिप कैसे करें, प्रोफेसर को मेल कैसे लिखें, लिटरेचर सर्वे कैसे करें। साइंटिफिक राइटिंग वर्कशॉप जिसमें स्टेप बाय स्टेप आपको बताएगा ईमेल्स कैसे लिखते हैं इंटर्नशिप के लिए, रिव्यू पेपर कैसे लिखते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है साइंटिफिक राइटिंग की, ग्रामेटिकल एरर्स क्या है जो आपको अवॉइड करने हैं। पावर ऑफ ईमेल एंड साइंटिफिक राइटिंग बताऊं आपको, इंडिया में बैठे बैठे आप दुनिया के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स MIT, हार्वर्ड, जॉन्स हॉपकिंस, मैक्स प्लैंक जैसे इंस्टीट्यूट्स में फुली फंडेड इंटर्नशिप पा सकते हैं। आप भले ही BSc नॉर्मल कॉलेज से BSc कर रहे हैं, ठीक है, ये पॉसिबल है। यही नहीं, एक स्टूडेंट जो 20 में लिखता है उसके बाद उसको एक इंटर्नशिप मिलती है इंडिया में। अगर एक एक्सपीरियंस बंदा जिसको नॉलेज है साइंटिफिक राइटिंग की, मेल कैसे लिखते हैं, प्रोफेसर के रिसर्च फील्ड के बारे में अच्छे से कैसे रिव्यू करते हैं, तो आपको 3-4 मेल के अंदर अच्छी से अच्छी इंटर्नशिप मिल जाएगी, वो भी फंडिंग के साथ पेड इंटर्नशिप मिल जाएगी। वही बाकी आपके दोस्त लोग 20-20 मेल लिखेंगे तब उनको 1-2 रिप्लाईज मिलते हैं, रिप्लाई मिलना तक प्रोफेसर से कठिन है। सो ये है पावर ईमेल एंड साइंटिफिक राइटिंग की। अब बच्चे क्या करते हैं, कोई रिसोर्स तो है नहीं, यूट्यूब में वीडियोस देखते हैं, 1-2 वीडियोस देखते हैं, बट आप यूट्यूब से साइंटिफिक एंड ईमेल राइटिंग सीख नहीं सकते। बहुत लोगों को तो यही नहीं पता इंटर्नशिप क्या होता है, साइंटिफिक राइटिंग क्या होता है, भले वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आइजर में पढ़ रहे हैं, और अगर पता भी है तो कोई गाइडेंस तो है नहीं। यूट्यूब में एक वीडियो देखते हैं, जब मेल लिखना बैठते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता कि लिखें कैसे। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने बारे में ही बहुत कुछ लिख देते हैं कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है, उसमें इंटरेस्ट है, बट प्रोफेसर को उससे फर्क नहीं पड़ता है। बहुत लोग तो बहुत जेनेरिक सा मेल लिख देते हैं, प्रोफेसर को देखते ही पता चल जाता है कि ये मेल को इसने 10 और प्रोफेसर के पास भेजा है, इंटर्नशिप मिलती नहीं है, सीधे वो डिलीट कर देता है, एंड लोग वेट करते हैं कि कब रिप्लाई आएगा प्रोफेसर का। जब मैं नाइजर में था, इंटर्नशिप के लिए मेल लिखना होता था, मैं सीनियर्स के पीछे दौड़ता था, भैया प्लीज बता दो आपने जैसे मेल लिखा था, प्लीज थोड़ा सा हेल्प कर दो, मुझे भी इंटर्नशिप चाहिए। मैंने NIUS के लिए भी क्वालिफाई किया विंटर कैंप के लिए केमिस्ट्री में, जहां मेरे दोस्त 10-10, 20-20 मेल्स लिखते थे एक इंटर्नशिप का रिप्लाई पाने के लिए, मैंने ज्यादा से ज्यादा 4-5 मेल्स लिखे होंगे और मुझे बढ़िया सी आइजर भोपाल में इंटर्नशिप मिल गई थी। नाउ द थिंग इज कि ये डिफरेंस है, अगर आपको ईमेल राइटिंग और साइंटिफिक राइटिंग के बारे में पता है, और अगर आपको नहीं पता है तो आप सीनियर्स के पीछे दौड़ोगे, यूट्यूब में वीडियोस देखोगे जो बिल्कुल हेल्प नहीं करेंगे। मैं बता रहा हूँ, अगर यूट्यूब वीडियोस देख के कोई साइंटिफिक राइटिंग और ईमेल लिखना सीख जाता ना, सब साइंटिस्ट बन जाते हैं आजकल, सबको इंटर्नशिप मिल जाती, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं स्टूडेंट्स के, आइजर के स्टूडेंट्स के, कि भैया आपने सिलेक्शन में तो हेल्प कर दी, प्लीज अब ये बताओ इंटर्नशिप कैसे करें, प्रोफेसर को मेल कैसे लिखें, लिटरेचर सर्वे कैसे करें, मुझे किस फील्ड में इंटरेस्ट है उसके बारे में मैं अच्छे से कैसे लिखूं कि प्रोफेसर मान जाए कि मुझे कुछ आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। NIUS के लिए मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है, भैया NIUS इंटर्नशिप के लिए थोड़ा गाइड करो कि कैसे मैं अप्लाई करूं, कैसे अपने बारे में लिखूं, कैसे अपने रिसर्च फील्ड के बारे में लिखूं, पैशन इंटरेस्ट के बारे में लिखूं। सो गाइज डोंट वरी, अगर आप भले ही क्लास 11 12th में हो, आपको आउटसाइड इंडिया जाके बैचलर्स मास्टर्स करना है, MIT, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, जॉन्स हॉपकिंस जैसे इंस्टीट्यूट से बैचलर्स करना है तो आपके लिए, अगर आप BSc कर रहे हो इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट में, नॉर्मल कॉलेज से भी कर रहे हो या प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट आइजर नाइजर से कर रहे हो तो आपके लिए, एंड जिन लोगों को इन जनरल साइंटिफिक राइटिंग सीखना है, साइंटिफिक राइटिंग और नॉर्मल राइटिंग में क्या अंतर होता है कि अगर आप एक रिसर्च पेपर में लिख रहे हो तो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, एक पर्टिकुलर स्टाइल होता है, ग्रामर होती है, ठीक है। आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो रिसर्च पेपर्स में, रिव्यू आर्टिकल्स में कुछ भी नहीं लिख सकते हो, एडिटर्स जो होंगे ना सीधे देखते ही रिजेक्ट कर देंगे। और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंटिफिक राइटिंग वर्कशॉप जिसमें स्टेप बाय स्टेप आपको बताएगा ईमेल्स कैसे लिखते हैं इंटर्नशिप के लिए, रिव्यू पेपर कैसे लिखते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है साइंटिफिक राइटिंग की, ग्रामेटिकल एरर्स क्या हैं जो आपको अवॉइड करने हैं, क्या स्टाइल होनी चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखते हैं, इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, रिसर्च पेपर के अलग अलग सेक्शंस होते हैं, एक्सपेरिमेंटल सेक्शन होता है, रिजल्ट एंड डिस्कशन होता है, कंक्लूजन होता है, उनका क्या इंपॉर्टेंस है, किस स्टाइल से आपको हर एक पैराग्राफ लिखना है। यही नहीं, आपको हर एक चीज बताई जाएगी साइंटिफिक राइटिंग के लिए स्टेप बाय स्टेप। इसके साथ आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे, आपके साथ इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी, ये 4 वीक की वर्कशॉप होने वाली है जिसमें सब कुछ कवर होगा। एट द एंड मैं एक चीज की गारंटी दे सकता हूं कि आप अपने 90% या 95% ऑफ क्लासमेट से आगे रहेंगे, आपके जो दोस्त है उनसे कहीं ज्यादा आपको पता होगा कि सही ईमेल्स कैसे लिखते हैं। आप उनके ईमेल देखोगे, सीधे बता दोगे कि तुमने ये गलती की है, तुमको नहीं मिलने वाली है इंटर्नशिप।
और इसीलिए हम आपके लिए ये 4 वीक्स की कंप्लीट वर्कशॉप लाए हैं। और आपके जो मेंटर्स होने वाले हैं ना, उन्होंने खुद मैक्स प्लैंक जैसे इंस्टीट्यूट से पेड इंटर्नशिप कर रखी है। उन्होंने दुनिया के टॉप 100 यूनिवर्सिटीज के अंदर फुली पेड PhD हासिल की है, जॉन्स हॉपकिंस से मास्टर्स किया है, हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में उन्होंने इंटर्नशिप किया है। सो आपके जो मेंटर्स हैं वो आपको पूरा रोड मैप दिखाएंगे उन्होंने कैसे फुली पेड इंटर्नशिप या फिर PhD हासिल की। आपको टाइम टेबल की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, भले आप कॉलेज में हैं, आप स्कूल में हैं, आप कोचिंग में हैं, किसी भी स्टेज में हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छे से टाइम मैनेज कर लोगे आप। टाइम की टेंशन मत लो, आप पैसे की भी टेंशन मत लो, ये बहुत ही अफोर्डेबल हम रखने वाले हैं। नाउ सबसे पहले तो आपको शेड्यूल की टेंशन नहीं लेनी है, ये साइंटिफिक राइटिंग की वर्कशॉप में हम सब कुछ बहुत ही स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर प्लान तरीके से करने वाले हैं। तो आप आराम से मैनेज कर लोगे अपना एकेडमिक्स, जो भी आप कॉलेज में हो, स्कूल में हो, कोचिंग में हो, कुछ भी कर रहे हो, आप आराम से आपका शेड्यूल मैनेज हो जाएगा। दूसरी चीज, आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, इंटरैक्टिव क्लासेस मिलेगी, असाइनमेंट्स मिलेंगे, पूरे हम नोट्स एंड थ्योरी जो भी होगी वो सब आपको प्रोवाइड करेंगे, PDF प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ ही आपको प्राइस की टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है, बस गूगल फॉर्म लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जल्दी से भर दो, लिमिटेड टाइम के लिए है, तो अगर लिमिटेड सीट्स हैं तो आप ऑब्वियसली जल्दी जल्दी भर दो, ठीक है। तो लिंक गूगल फॉर्म के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्राइसिंग वगैरह मैं आपको जल्दी ही बता दूंगा, बहुत ही अफोर्डेबल होने वाला है, बिल्कुल भी प्राइस और शेड्यूल की टेंशन मत लो। और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में बताइए, एंड आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं इन सायस्त्रा ऐप। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल टू यू, ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन दी वर्कशॉप। जय। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना, चुनिए सायस्त्रा और करिए अपने IIT NEST का सपना साकार। डाउनलोड दी ऐप नाउ।